question is, will extra maneuvers are required for the delivery of the shoulders? ठीक है, आप डायग्नोज कैसे करते हैं? हेड डिलीवर है एंड नाउ इट्स अ टर्टल साइन. बेबी आपको खुद बता रहा है इट्स अ टर्टल साइन. जो उसके चीक्स हैं, दे आर गोइंग बैक, जैसे कोई उसको अंदर से खींच रहा है. एंड दे आर इम्पैक्टेड अगेंस्ट द मैटरनल थाइस. ठीक है, टर्टल साइन ऑफ बेबी इज द डायग्नोस्टिक थिंग एंड यू नो इट्स अ शोल्डर डिस्टोर्शन. बहुत ही आपकी बैड लक होगी अगर शोल्डर डिस्टोशिया हो गया लेबर रूम में. आइडियली पहले से आप एंटिसिपेट करते हैं, मदर डायबेटिक है, गुड साइज बेबी है, प्रीवियस हिस्ट्री है शोल्डर डिस्टोशिया की, या भी हो सकता है मैक्रोसोमिक बेबी है, 4.5 kg एस्टिमेटेड वेट्स है, और इमरजेंसी. व्हेनेवर देयर इज इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी आएगी आपने सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प शाउट करना शुरू करना. ठीक है, और उस वक्त ये नहीं होता कि आपने सोचना है शाउट करना, आप खुद बहुत पैनिक करते हैं और शाउट करना शुरू करते हैं. ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, और आप अकेले उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, यू नीड अ टीम. और आइडियली टीम वो होनी चाहिए कि जिनकी ड्रिल्स हों, हमारा तो इतना नहीं, वरना बजर्स बनती हैं. जैसे शोल्डर डिस्ट्रोशिया, सारी टीम ऑटोमेटिकली उनको अलार्म पहुंचते हैं और पहुंच जाते हैं, और टीम मेंबर आते जाएंगे दे नो कि उन्होंने क्या करना है, वो वही काम अपना अपना शुरू कर देंगे. ठीक है, एक स्क्राइबर होता है, वन इज स्क्राइबर. द ड्यूटी ऑफ द स्क्राइबर इज जस्ट टू डॉक्यूमेंट एंड राइट डाउन द थिंग्स, और टाइम अनाउंस करें. फिर नहीं, वी हैव ओनली 30 सेकंड फॉरवर्ड, 3 मिनट्स गुजर गए, बेबी खत्म. ठीक है, 3 मिनट्स के बाद बेबी को बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, 5 मिनट्स में नहीं डिलीवर हुआ तो स्टिल बर्थ. ठीक है, सो यू हैव ओनली 3 मिनट्स अगर आपने एक अलाइव हेल्दी बेबी लेके आना है, और 5 मिनट्स में तो बेबी अलाइव ही रहेगा. क्लियर? सो कॉल फॉर हेल्प, वन इज स्क्राइबर हुज ड्यूटी इज जस्ट टू राइट डाउन अ टाइम नोट करना है, 30 सेकंड. द फर्स्ट थिंग इज widen the episiotomy. Widen the episiotomy, और अगर नहीं दी तो give wide episiotomy. This episiotomy is not going to help the baby to deliver. It's going to help me to perform the internal maneuvers. It's going to give me space to perform the maneuvers. It's not helping the baby. ठीक है, ये भी clear हो गया. So help पर से हम चलेंगे. एच हेल्प, कॉल फॉर हेल्प. ई एपिजियोटमी. एल लेग्स. लेग्स को क्या करना है, मैक्रोपर्स बनाना है. एक्सटर्नल रोटेट करते हैं, सबसे पहले फ्लेक्शन एट हिप, फ्लेक्शन एट नी. ब्रिंग द मदर टू द एज. ठीक है, फुल फ्लेक्शन, फुल एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एट बोथ ज्वाइंट्स. मदर की लेग्स को एब्डोमेन से लगा दें. ठीक है, एंड नाउ एक्सटर्नल रोटेशन एंड एब्डक्शन ऑफ द लेग. मैक्रोबिट्स, अगर आप लकी हैं, 90% ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया सिंपली डिलीवर्ड बाय दिस मैक्रोबिट्स. रीजन, क्योंकि जो शोल्डर्स थे, हमने कहा था ना एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आएंगे, ये शोल्डर इज इम्पैक्टेड अगेंस्ट द सिम्फिसिस प्यूबिस. ये अपर एज है सिम्फिसिस प्यूबिस का, और ये शोल्डर उसके ऊपर चढ़ गया, ओवर राइड कर गया. अब जब मैंने मैक्रोबिट्स बनाई तो ये सिम्फिसिस प्यूबिस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर हो गया, और नीचे से सेक्रम स्ट्रेट हो गई. तो जो पहले स्पेस ऐसे थी और शोल्डर यहां बैठा हुआ था, ये स्पेस ऑटोमेटिकली ऐसे हो गई और शोल्डर स्लिप डाउन कर गया. ठीक है, सो मैक्रोबिट्स, मिक्रोबिट फेज आपकी फेल हो गई. द नेक्स्ट इज पी, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर. पी फॉर प्रेशर, हेल्पर. ठीक है, पी इज फॉर प्रेशर. कैसे प्रेशर देना है, बेबी ऐसे डिलीवर हो रहा है. ठीक है, आपको पता है ये ऑक्सीपिट है तो शोल्डर इधर होगा, राइट पे या लेफ्ट की बात हो रही है. ठीक है, मदर ऐसे लेटी हुई है, ये ऑक्सीपिट है तो शोल्डर यहां होगा,
यू आर गोइंग टू आस्क द असिस्टेंट टू गिव प्रेशर ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर शोल्डर. ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर शोल्डर. आपका असिस्टेंट इस साइड से आएगा एंड ही और शी विल सिंपली गिव प्रेशर लाइक दिस. हैंड की ये पोजिशन है जो सीपीआर में होती है, कार्डिक कंप्रेशन में. ठीक है, विद द हील, विद ये जो पाम की प्रोमिनेंस है, इससे आप इसको प्रेशर देंगे ट्राइंग टू एडप्ट द शोल्डर. ये जो बेसिक क्रोमियल डायमीटर है ये काम हो जाएगा. अगर मैंने उस दरवाजे में से गुजरना है, द वन थिंग इज कि दरवाजा किसी तरह खुल जाए, जो हमने मिक्रोबर्ट से कोशिश की थी पेल्विस को वाइडन करने की. सेकेंड थिंग इज अगर मैं यू स्टेप हो गई तो किसी तरह मैं ऐसे हो जाऊं. ठीक है, तो ये मैंने सुप्रा क्यूबिक प्रेशर दिया है ट्राइंग टू रिड्यूस द बायक्रोमियल डायमीटर, बेसिक क्रोमियल एडक्शन करने की. दिस इज रूबिन्स वन. सुप्रा क्यूबिक प्रेशर इज रूबिन्स वन. अब कौन बात नहीं कर रहा. नाउ सेकेंड पी फॉर इंटरनल मनूवर्स, रूबिन्स टू. जैसे हमने रूबिन्स वन ऊपर से किया था उसी तरह हम रूबिन्स टू करेंगे. आई एम गोइंग टू टेक माई टू फिंगर्स इन साइड द वजाइना बिहाइंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर शोल्डर ट्राइंग टू रोटेट द शोल्डर अगेन. दिस इज रूबिन्स टू. ठीक है, रूबिन्स वन सुप्रा प्यूबिक प्रेशर था, रूबिन्स टू इज द सेम बट इंटरनली ट्राइंग टू रोटेट द रूबिन्स टू. ठीक है, रूबिन्स टू भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. नाउ कम्स द बोर्ड स्क्रू. कीपिंग माई टू फिंगर्स हेयर जहां पहले थी, विद द अदर हैंड आई एम ट्राइंग टू रीच एंटीरियर रेस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर एंड ट्राइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, दिस इज वुड स्क्रू. समझ आई है? अभी भी नहीं डिलीवर हुआ. रिवर्स वुड स्क्रू. मुझे पकड़ो जरा, ये मेरे हैंड. ठीक है, मैं सिर्फ अपनी हैंड की पोजिशन चेंज करी. मैंने वो जो इंटीरियर पोस्टीरियर समझ नहीं आता ना पढ़ के, अपने सामने एक डॉल रखना और करके देखो. रूबिन्स वन सुप्रा प्यूबिक था, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर शोल्डर. रूबिन्स टू इंटरनल था, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर शोल्डर. वुड्स क्यू में वन हैंड वॉज पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंटीरियर शोल्डर और अदर हैंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर. नाउ आई एम स्विचिंग माई हैंड. नाउ पोस्टीरियर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर शोल्डर of posterior aspect of the posterior shoulder again trying to rotate it. Dusri rotation mein jayega. This is reverse wood screw. Ye itne aasan nahi hote karne. Phir sara aise ghoomega. Aur phir aapne rotate karna hai. Us rotation mein kya hota hai? That. Ki ye posterior shoulder anterior aata hai na ghoom ke, to ye bichara itna naughty nahi hota, ye symphysis pubis ke niche se slide karke deliver hota. वुड्स क्यू का पर्पज सिर्फ ये है कि वो जो इम्पेक्टेड इंटीरियर शोल्डर है, जब वो रोटेट करेगा और पोस्टीरियर बनेगा और पोस्टीरियर इंटीरियर बनेगा तो वो इंटीरियर डिलीवर हो जाएगा. समझ आ रही है? डिलीवर हुआ नहीं, उससे पहले ब्रिंग द मदर ऑन ऑल फोर्स, उसकी अपसाइड डाउन बना ले. इस पोजिशन में सेक्रम और थोड़ा और ऊपर जाता है स्पेस, जो डोर हमने खोला था ना इनिशियली, वो थोड़ा सा और वाइडन हो जाता, डिलीवर हो सकता है. अभी भी नहीं हुआ तो फिर से सारे मनूवर्स ए टू जी दोबारा करने शुरू कर दें ऑल फोर में. अब भी नहीं हुआ, ब्रिंग द मदर बैक इन द डॉर्सल पोजिशन. और अब डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स हैं. डिस्ट्रक्टिव पोजिशन प्रोसीजर्स में सिम्फिजियोटमी है, सिम्फिसिस प्यूबिस को सेंटर से लोकल एनेस्थीसिया लगाएं और काट दें, इंसीजन दे दें. यूजली पेरिफ्रीज में किया जाता है जहां पर ऑपरेटिव डिलीवरी की अरेंजमेंट नहीं होती.
ठीक है, इट्स नॉट यूजली रिकमेंडेड. वन अदर थिंग इज कि डॉटमी क्लेविकल्स को फ्रैक्चर कर दें. अब तक बेबी तो खत्म हो चुका हुआ, ठीक है, इसलिए ये ना सोचें और दिल को कड़ा करें कि हम अलाई बेबी पे सब नहीं कर रहे, बेबी अब तक नहीं है. सो क्लेविकल्स फ्रैक्चर कर दें. और एक बहुत ही बुरा तरीका होता है डिकैपिटेशन ऑफ हेड और ज़ेविनेलीज. मैंने तो कभी नहीं देखा अभी तक, क्योंकि ये हेड वापस नहीं जाता है. ज़ेविनेलीज में होता है कि आप हेड को अंदर पुश करें, लेकिन अब ज़्यादा जो रिकमेंडेड वो यही है कि इसी इंफेक्टेड बेबी के साथ ओपन एब्डोमिनली जाएं, जैसे सीजेरियन सेक्शन में जाते हैं, यूट्रस को ओपन करें एब्डोमिनली, वहाँ से यूट्रस में से आप बेबी को ऐसे जो हमने रूबिन्स किया था ना, अब वो करें तो ये फ्लेक्स हो जाएगा और वजाइनली डिलीवर हो जाएगा, ठीक है. ज़ेविनेली बिल्कुल नहीं कर रहे आप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मदर का प्रीमियम, ब्लैडर, रेक्टम, हर चीज़ डैमेज होती थी उसमें. बेबी तो चला ही गया, मदर को भी सारा डैमेज है, इसलिए उसका करने का फ़ायदा नहीं है. शोल्डर डिस्ट्रोफिया हो गया.